तो ऑल गाइस ऑल भाई लोग, आज के वीडियो में ऐप के बारे में जो चाइना के अंदर चलता है, जो अजीब कुछ फैक्ट्स थे उनके आप लोग हैरान हो जाने वाले हैं। तो गाइस चाइना के अंदर कुछ अजीब चीज़ चलता है ऐप के बारे में, जिसको आप लोग हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास के। मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हैं इंडियन सोलह का चैनल। वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ बकवास कीजिए। आपके अपने चैनल इंडियन सोलह का चैनल को और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। भाई लोग, मैं एक्सपोज क्यों बोल रहा हूँ तो गाइस बहुत लोगों को नहीं मालूम, बहुत से लोग जानते भी होंगे लेकिन शेयर नहीं करते। तो गाइस मैं आप लोगों के बारे में, चाइना के अंदर जितने भी आप लोग ऐप हमारे इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं, चाइनीज ऐप बेसिकली 50% से ऊपर ऐप हमारे इंडिया के जो चलता है, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्सेंडर, गाइस जितने भी ऐप चलते हैं वो सारे के सारे चाइनीज कंपनी के हैं। और गाइस सारा डेटा वो लोग खुद ही ले जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता। चाइना का डेटा आप लोग बोलेंगे चाइना का डेटा हमारे पास होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पूरा इंडिया का डेटा चाइना लेके बैठा हुआ है। हमारे ये जो इंडिया के जितने भी ऐप चलता है सभी के अंदर आप लोग अलाव अलाव क्लिक करते हैं और गाइस सब आपको कैमरा, माइक्रोफोन, सारा डेटा उनके पास चला जाता है। तो गाइस बेसिकली आप लोग जितने भी ऐप यूज़ करते हो, तो गाइस बेसिकली ये तो कॉमन चीज़ है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है जब चाइना की जब बताती है। तो गाइस चाइना दूसरों को डेटा लेता है, खुद का डेटा भी दूसरों को देना चाहिए। तो गाइस ऐसा आप लोग सोचते होंगे लेकिन वो चाइना कुछ और ही सोचता है। तो गाइस वो दूसरों का डेटा लेगा लेकिन खुद का डेटा किसी को नहीं देगा। तो गाइस बेसिकली उससे कंट्री के अंदर, चाइना के कंट्री के अंदर जितने भी गाइस आप लोग ऐप आप लोग जानते हैं, जैसे गूगल जो कॉमन है, जो बहुत सारे कंट्री चलता है, अमेजोन जो 50 कंट्रीज से भी ऊपर कंट्रीज में चलता है। तो गाइस इस तरह का सब बहुत सारे कंपनी जो गाइस विदेशी कंपनी है, वो लोग जो बहुत वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, जो चाइना को छोड़ के, क्योंकि चाइना ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी को अपने कंट्री के अंदर अलाउ नहीं करता, क्योंकि उनका डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। कई सारे ऐप जैसे गाइस अमेजोन के ऊपर खोल दिया उन्होंने अलीबाबा, जैसे कॉपी कर दिया, कॉपी एक वेबसाइट खोल दिया अलीबाबा जो जैक मा जी का है। तो गाइस वो भी अरबपति बन गए, बिलियनर बन गए, वो बाहर के किसी भी आदमी को बिलियनर बनने नहीं देंगे, वो सारा का सारा खुद के आदमी को बनाते हैं। और गाइस अब डेटा की बात करो, बाहर से खुद लेता है, खुद का डेटा किसी को नहीं देता। और ऐप मार्केट की बात करो तो गाइस वो खुद का ऐप पूरी दुनिया में शेयर करता है, बाकी का जितने भी दुनिया का ऐप है वो अपने देशों में नहीं चलने देता। तो गाइस बेसिकली देखा जाए ये सब अजीब चीज़ है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है। वीडियो को शेयर करके जानने का मौका दीजिए। ऑल गाइस ऑल भाई लोग, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए, और एक ही बात, आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।